हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज अ रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो। मैंने कभी भी रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो अपने चैनल पे नहीं शेयर करा, बिकॉज आई जस्ट थॉट कि सभी लोगों को ये बातें पता होती है कहीं ना कहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि शायद इन बातों को कैमरे के सामने रखना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट होपिंग कि शायद ये बातें सभी को पता है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में मैं सोच रही हूँ उसी डायरेक्शन में आप सोच रहे हो। सो आई जस्ट थॉट टू पुट दिस अप ऑन इंटरनेट टुडे। सो यार, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद कैसा लगा। सो दिस इज बेसिकली अ गेट रेडी विथ मी फॉर रक्षाबंधन। दिस इज माई रक्षाबंधन आउटफिट, व्हाइट शरारा है जो मैंने अमेजोन से ही परचेज करा था। सो आई जस्ट पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that you can check it out, and we're gonna be doing very soft natural subtle look, bahut zyada heavy nahi rakhenge but still a very trendy look I would say. So without any further ado, now let's jump into the video. Let's start with the base. Maine apni face pe sirf moisturizer apply kara hai, nothing else. One is by Eva Cosmetics, bahut hi pyara primer hai. Main वैसे primer ki bahut badi fan nahi hu. So coming to Rakshabandhan, this video is basically a message for all the brothers and all the sisters out there. आप लोग मुझे बहुत टाइप से फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग मेरी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते हैं, दे गॉट टू नो दिस थिंग कि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट करा था, सो इट वाज माय ब्रदर, लाइक द फर्स्ट पर्सन हु सपोर्टेड मी वाज माय ब्रदर, जो मेरा छोटा भाई है, हिज नेम इज शिवम। वैसे मैंने कभी डिस्कस नहीं करा है ये अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग द माहा अर्थ फाउंडेशन, दिस इज इन द शेड 04, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये थोड़ा सा डार्क आएगा मेरी स्किन टोन पे। मैंने सिर्फ ये दो पप लिए। So Shivam is the first person जिसने मुझे सपोर्ट करा था when I started, and मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के भाई बहन जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज लाइक द प्राइमरी पॉइंट आई जस्ट वॉन्ट टू इंटरेस्ट इन, इज दैट कि यार तुम्हारा सिबलिंग जो है, मतलब तुम्हारे जो भाई बहन है वो बेसिकली कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, बचपन से तुम उसके साथ रहे हो, हाउ कैन यू बी लाइक कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इंटरनेट पर ये डालो मत, ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक नॉट जस्ट इंटरनेट, अगर उसने कुछ और भी डिसाइड करा, यू शुड सपोर्ट योर सिबलिंग, बिकॉज बचपन से उसके साथ अगर कोई रहा है इज यू, आपके अलावा वो शायद किसी और से उतना ज्यादा घुल मिल ना पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में एक वो जनरेशन गैप फॉर श्योर आता है अगर आपके भाई बहन में ज्यादा गैप है, बट मेरे में और शिवम में सिर्फ 1.5 साल का गैप है, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड पॉइंट हम दोनों के केस में कि वो मुझे सारी बातें शेयर कर सकता है, मैं उससे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। बट अगेन, अगर आपका बड़ा भाई है या फिर बड़ी बहन है, आई वुड रिकमेंड कि अगर वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं तो आप जाके ओपन अप हो जाओ, और जस्ट इन केस अगर आपका छोटा सिबलिंग है आपको उसे एक कम्फर्ट स्पेस देना पड़ेगा, बिकॉज वी शेयर अ वेरी क्लोज बॉन्ड फॉर श्योर। बट अगेन, स्कूल के टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज में अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्टिल रिमेंबर हम एक थाली में खाना खाते थे, पूरे टाइम एक साथ रहते थे, वेदर लाइक मेरी जॉब चल रही है तो वो सामने वहीं बैठा रहेगा, वहीं पे मुझे बोलता रहेगा ये करो वो करो, वहीं परेशान करता रहेगा। सो सम हाउ वी गॉट दैट टाइम बेसिकली जो हमारे पास कमी पड़ रही थी जिस चीज की। तो ड्यूरिंग कोविड ऐसा हो गया था कि कुछ भी हो रहा है ही इज जस्ट टेलिंग मी एंड आई एम टेलिंग हिम दैट इट, अगर भले वो गुड न्यूज हो या बैड न्यूज हो, लाइक मेरे लिए अब द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं कॉल करती हूँ इज ऑफ कोर्स माई ब्रदर। और आपको भी वो बॉन्ड अपने भाई बहन से शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप सब कुछ शायद अपने पेरेंट्स से डिस्कस ना कर सके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपने भाई बहन से वो एक बॉन्ड शेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि जब आप कुछ नया स्टार्ट करोगे ना, द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज योर सिबलिंग फॉर श्योर, अगर आप एक कम्फर्ट स्पेस प्रोवाइड करते हो तो ही। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हर भाई बहन की बनती है या फिर हर भाई बहन सबसे सुखी भाई बहन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग एज अ सिस्टर, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है जो सपोर्ट है, और अभी इस फेज में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटीज बहुत ज़्यादा चलने लगा है, तो प्रोवाइड दैट कंफर्ट जोन, प्रोवाइड दैट एरिया बेसिकली जहाँ पर वो आपके साथ चीज़ें बैठ कर डिस्कस कर सके। कंसीलर पैलेट के लिए आई एम यूजिंग द C2P का प्रोफेशनल पैलेट, एंड इसमें बहुत सारे शेड्स हैं बेसिकली। सो कंसीलर के लिए मैं थोड़ा सा लाइट शेड ही यूज़ करूँगी। द फाउंडेशन शेड इज परफेक्ट, आई हैव अप्लाइड 04 फॉर द कंसीलर, आई एम यूजिंग माई फिंगर टिप। तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा था, माई पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ यूट्यूब, उन्हें नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता है, उन्हें नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का क्या मतलब है या फिर क्यों डालना है बेसिकली। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर शायद, मतलब मैंने देखा है बड़े भाई जो रहते हैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं, प्लस अपने सिस्टर्स को अलाउ नहीं करते हैं जल्दी से, लाइक आई हैव सीन एग्जाम्पल्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट आई हैव सीन एग्जाम्पल्स जहाँ पे बड़े भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहते हैं, ऑफकोर्स आई हैव सीन द, मैंने वो भी देखा है। माई बेस इज डन, नाउ आई एम मूविंग टू आई शैडो। आई शैडो के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा लुक देखा था, लाइक इट्स अ
अ फॉर्म ऑफ अ कट क्रीज बेसिकली, यहाँ पे एक कट क्रीज ऐसा लगेगा एंड देन इन द मिडल वी विल अप्लाई द शिमर. एंड इस लुक के लिए हमें चाहिए एक ब्राउन कलर की आई पेंसिल. आई पेंसिल के लिए आई हैव दिस फॉरएवर 52 आई पेंसिल. ये ऑलमोस्ट शार्प ही है. सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी लाइक दिस एंड सेम चीज मैं इनर कॉर्नर पे ऐसा लाइक जैसे हम कट क्रीज लुक करते हैं ना सेम मैं वैसा करूँ. मैंने ऐसा हाफ सन टाइप का बनाया. ओके नाउ वी नीड टू ब्लेंड दिस आउट. सो आई एम टेकिंग दिस स्मजिंग ब्रश जो बहुत ही छोटा सा है मेरे पास एंड व्हाट आई विल डू कि मैं इसी से स्मज करूंगी. फॉर द आई शेडो आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट जो ऑलमोस्ट लाइक खत्म है मेरा. सो आई एम यूजिंग द ट्रांजिशन शेड. कैन यू गाइस सी सेम मैं इस आई में रिपीट करूंगी बट लेट मी जस्ट पुट द शिमर ऑल्सो. शिमर के लिए आई जस्ट यूज द सेंटर पार्ट ऑफ दिस. ये वाला शेड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर टिप. वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट्स आर सुपर गुड. Yeah, can you guys see? Let me just zoom in. This is the final look of my Rakshabandhan look. So I'll just repeat the same on the second eye and I'll just get back to you. Now I'm using this Raycord ka pencil in the very pretty shade. I don't know the shade name, but I'll put a link in the description box. And I'm drawing an eyeliner type ka draw kar rahi hu, like the smudge pattern. So I'll draw an eyeliner pe aise draw karu. And I'll just take the same brush and isi se fir main se smudge kar dungi. ब्लश के लिए मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का ये मिनी ब्लश यूज करूंगी इन द शेड 01 एंड आई जस्ट लव इट बिकॉज इसका मेरा यूसेज देखो जरा इसको मैंने कितना ज्यादा यूज कर लिया है. खत्म है ये बट इट्स वेरी प्रिटी वेरी सॉफ्ट नेचुरल पिंक. गो एंड बाय दिस 01 शेड बिकॉज 02 जो है ना वो बहुत ज्यादा पिंकी वाला फॉर्म है इसलिए आई डोंट लाइक इट. आई एम यूजिंग द विनाइल लिपस्टिक इन द शेड 10. This is 10 Lippy. मेरे पास इसका एक और शेड है दैट इज 40 Witty. I love it. It's so pretty. मैं जल्दी से अपना हेयर टाई अप करके थोड़ा सा हेयर स्टाइल करके I'll see you guys in one minute. This is the final look, but still the look is incomplete because अब मैंने मस्कारा नहीं लगाया है. So I need to add the mascara. I'll be using the Maybelline Sky High mascara. मैं वही सोचो मेरी आंखें खाली खाली सी लगती थी. So this is the final look. Just tell me in the comment section whether you guys liked it or not. It's a very natural and subtle look. I don't think so. It was other difficult. It is a very easy makeup look. And so coming back to the main point, is Rakshabandhan apni sibling ko ek promise zarur karna that you are here with them. Like kuch bhi ho jaye, koi bhi problem ho jaye, aap unhe wo space doge, aap unhe wo comfort zone provide karoge, so that like they can just ask for help. Because bahar ki duniya bahut hi kharab hai. And I just don't want my brother to just go outside to strangers and ask for help. It's better ki wo mere paas aaye, koi bhi problem hai, koi bhi badi se badi problem hai, chote se choti problem hai. I'll try my best. Agar jaise I have seen brother and sisters jahan pe unki nahi banti hai, wo unhe mauka hi nahi dete ki wo apni baat rakh paaye, wo pehle hi daantne lagte hain. So waisa wala bhai behan na banke try karo ki aisa bhai behan bano jahan pe aap cheeze discuss kar sako, support kar sako ek dusre ko. Usko use phasane ke chakkar mein uski help karo. एंड हमारी एज में क्या होता है कि ऑलमोस्ट लाइक हम सारे लोग अभी एक स्ट्रगलिंग फेज पे हैं तो कहीं ना कहीं सभी फंसे हुए हैं. सो इट्स बेटर कि आप सभी से बात करो बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं या नॉट डूइंग सो मच जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था लाइफ में. सो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अकेलापन लगने लगता है. दे फील वेरी सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट माई ब्रदर टू फील लाइक दैट वे. तो आई वॉन्ट टू सपोर्ट हिम लाइक in every condition. Abhi kuch din pehle we were having a discussion like ki hum unhe zyada support karenge so we dependent ho jayenge. There will be one time jab mera shayad jitna maine support kara hai uske ek time ke baad my brother will understand this ki yaar my sister have done a lot of work. Now it's time to rest. Of course he will do his best. Baad mein use bas ye regret na ho ki jab mauka tha meri behan ke paas us time pe mujhe support nahi mila uska. I just don't want to go with that phase. बाद में मैं वो नहीं सुनना चाहूँगी. And I just don't want my brother to even think in that way कि यार मेरी बहन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ उससे, वो नहीं समझती इस चीज़ को. नहीं, मैं समझूंगी, मैं बकायदा तो मैं सपोर्ट भी करूँगी. भी जिस दैट कभी कुछ गलत काम मत करो. मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा भाई बहन तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ भी करो.
कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आस्क योर ब्रदर फॉर हेल्प, आस्क योर सिबलिंग फॉर हेल्प. ऐसे नहीं है कि तुम्हें सब आता है या फिर उससे सब आता है, मिलके चीज़ें डिस्कस करो, क्योंकि बाहर जाने से बेटर है घर में ही अगर चीज़ें सॉल्व. सो अल्टीमेटली दिस इज द कॉन्वर्सेशन जो मैं चाहती थी आपके सामने रखना, एंड दिस इज द बेस्ट वे जो मैं आपको समझा सकती हूँ. अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया, सेंड इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो.